गाइस अभी मार्केट देखने कब तक जाएंगे बाबू। ये देखिए निशा को कॉल किए हैं, ये आगे सर अभी बात करने जा रहे हैं। बोल रहे निशा क्यों नहीं आए शादी में। हेलो कॉल कर रहे हैं। खुश रही है हमेशा, लेकिन आप क्या की शादी में तो नहीं आई। नहीं तो शादी में ना नहीं आई। ये देखिए रंजना बात की थी। गाइस तो अभी थोड़ी देर में सब गेस्ट लोग आने वाले हैं और पूरा एकदम ये सब कुछ अच्छे से सज गया है। ये अभी कुछ कुछ बोल रही है तो इसका बात थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। ये लड्डू है, तुमको देख देख के शर्मा आ रहा है। ये गाइस ये वाला जो हमारा वीडियो है ना, ये पुराना वीडियो है और यहाँ पे मैं बना के ले गई थी चाय सबके लिए, क्योंकि शादी वाले दिन जिस दिन मटकोर था ना उस दिन का ये वीडियो है। यहाँ पे मैं चाय बना के सबको ले के गई और ये मौसी हैं, मौसी की बेटी आई हुई है जो कि देख सकते हैं अपने बाबू को ऐसे खिला रही है। बहुत अच्छा लग रहा था मटकोर का, आप लोग को ये वाला वीडियो दिखा नहीं पाए थे लेकिन ये बहुत ही पुराना वीडियो है मेरा। और आप लोग देख सकते हैं सबको एक एक करके छोटा वाला कप में चाय ऐसे देने जा रहे थे। बहुत ज़्यादा गेस्ट आ रहे थे इसलिए हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया जिसकी वजह से हम वीडियो डाल पाए। तो ये सारा वीडियो ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो ये सारा क्लिप आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप लोग कम से कम हमारी फैमिली से मिल पाओ, इस व्लॉग के थ्रू आप लोग सबसे मिल पाओ। और यहाँ पे अनुष्का थी, बाकी सब लोग आए जा रहे थे, सबको मैंने प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद ले लिया था। और यहाँ मम्मी भी आ गई थी, तो हम लोग मटकोर से आ गए थे उसके बाद से ना सब कोई फास्ट था, फिर से रेडी भी होना था क्योंकि सीढ़ी कटाने का है। और अभी हमारे घर में सब लोग आ गए हैं देख सकती हो। तो यहाँ पे ये मौसी जी हैं, दादी जी हैं, सब लोग आए हुए थे। सब लोग हंस रहे हैं कि इतना ओल्ड वीडियो मैं डाल रही हूँ क्योंकि ओल्ड वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग को ये वाला भी क्लिप बहुत पसंद आएगा। ये चुमावन का टाइम हो गया था और मैं चाहती हूँ कि हर एक एक क्लिप रहे हमारे साथ। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, अभी पीछे से सबका आवाज़ भी आ रहा होगा। ये है मेरे ससुराल का एक छोटा सा झलक जो कि आप लोग देख सकते हैं। कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, मतलब क्या बताएं। घर पे आने के बाद सबको सब लोग देख रहे थे और मैं चुमावन कर रही थी, तो ये सारा कुछ बहुत मज़ा आएगा आप लोग को देखने के लिए। उसके बाद सब गेस्ट लोग आए जा रहे थे तो मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, सबको प्रणाम करके सबसे आशीर्वाद ले रही थी। और ये हमारा ससुराल का कुछ ऐसा लुक रहता है जो कि अच्छा लगता है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना। सब लोग ऐसे देख भी रहे थे मेरे को और बातें भी कर रहे थे, तो मुझे तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा था। अभी घर में बच्चे हैं तो थोड़ी सी शोरगुल की आवाज़ आ रही होगी, बट डोंट माइंड, आप लोग इन्जॉय कीजिएगा पूरा व्लॉग। मुझे पता है बहुत लोग मुझे खुद कॉल करके बोले कि आपका ना ही जो ये फैमिली व्लॉग आ रहा है ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसकी वजह से मैं सोची कि नहीं आप लोगों के लिए व्लॉग लाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बोली कि नहीं भाई व्लॉग डालना है तो डालना है। अभी सब कोई है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है कि नहीं भाई व्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि सब लोग हैं, जितने भी गेस्ट बुलाए हैं सब बात नहीं कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा
वाला मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, सब कोई आया हुआ है। तो आप लोग भी मुझे लग रहा है कि बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, ये वाला ब्लॉग देखेंगे तो और इंजॉय करेंगे। अभी चलते हैं थोड़ा हम, और किसी मस्ती के लिए हम भी थोड़ा घूम के मस्ती। अब किसी को कॉल करना, बाबू सबसे पहले मम्मी को कॉल करेंगे। जा रहे अपनी कुकड़ी को खिलाने के लिए। देखिए इसको हंसाया कैसे करता है। भाई तो बच्चा करेगी कि अपना एडिट करेगी, बॉस तो कुछ करते नहीं आता। सो गाइस अभी यहाँ पे भून रहे हैं प्याज, देख सकते हैं आप लोग, और आज मस्त खाना बना रहे हैं हम। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं अभी हम बना रहे हैं खाना, और यहाँ पे ये लोग बैठ के सब बातें कर रहे हैं। सब लोग हैं, अमित पर तो हंस रहे थे कि इतना पुराना वीडियो मैं डाल रही हूँ, और बाबू को देखिए सब लोग अब परेशान कर रहे हैं। शादी है तो अमित भाई को देख, अमित भाई का खूब डांस करने वाले हैं। गाइस सुनो, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, 3 घंटा में 1 लाख व्यू है और 10 नंबर पे उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। जिसको जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है। हम तो भाई देखो, मैं 20 नंबर वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल तो है ना, वीडियो डाल सकते हैं ना। सही बात है, अपना हर एक दिन का मेमोरी तो रख सकते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, और ये बात करते हैं भैया, और भैया हमको ऐसे खाना बनाते हुए देख के एकदम हंस रहे, कितना अच्छा लग रहा है, हम यहाँ खाना बना रहे हैं और किट्टू बैठी है, वाह कितनी प्यारी लग रही है यार, सो ब्यूटीफुल, सो अगेन जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, just looking like a wow। बाबू ऐसे देख रहे हैं। तो किट्टू कैसा लग रहा है तुमको यहाँ? अच्छा लग रहा है, हम यहाँ खाना बनाए और तुमको खिलाएंगे। जान बुझे किट्टू को ना मेरे हाथ का बहुत पसंद है खाना, इसलिए हम सोचे कि नहीं, हाँ हम इसलिए सोचे कि आज इतना मस्त खाना बना के खिलाएंगे ना कि किट्टू एकदम खुश हो जाएगी। किट्टू कैसा लगता है मेरे हाथ का खाना? कुछ भी जो बनाती है अच्छा बनाती है, टेस्टी बनाती है, लेकिन मुझे किट्टू के हाथ का सब खाना पसंद आता है, क्योंकि ये खाना जिस तरीके से बनाती है ना, वो सच बताए इसके घर जाते हैं तो लगता है कि हाँ अपने घर का खाना खा रहे हैं, अच्छा लगता है। बस रहने देते हैं अभी, अच्छा लगता है, लेकिन हम तुम्हारे घर थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं, हम तुम्हारे घर थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं। बस अब सब लोग बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सब कोई खाना पीना खा लेगा, उसके बाद से सब लोग रेस्ट करेंगे, और कल सुबह जो ब्लॉग आएगा ना बहुत धमाकेदार आएगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, बट हाँ, और यहाँ से नई दिल्ली में देख रही है, देख सकते हैं यहाँ पर भी काम चल ही रहा है। गुन्नू बाय बाय, लव यू।